अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15,000 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन। मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर बात करते हैं। आइराज़ी, इस वक्त मालेगांव से एक पहली खबर, वहाँ से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने बताया कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम ने एक एजाजी और एतराफी प्रोग्राम लिया जो बेहद कामयाब रहा। ज़मीन पर काम करने वाले लीडर का एतराफ, उनके खिदमात का एतराफ और उनका एजाज करना सूफी मिल्लत साहब का खासा रहा है। ये बात सूफी नूरुल ऐन साबरी ने कही। गुज़िश्ता कल बाद नमाज़े असर फौरन एहाता दरगाह हज़रत मासूम शाह में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम मालेगांव की जानिब से शहर के हर दिल अज़ीज़ लीडर आली जनाब शेख रशीद शेख शफी साहब की 40 साल सियासी मिल्ली समाजी तालीमी सनअती खिदमात के एतराफ़ में शहर की खानकाहों, इदारों, तंजीमों, अंजुमनों ने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम मालेगांव के ज़ेरे एहतमाम हुए एजाजी और एतराफ़ी प्रोग्राम में कायदे हर दिल अज़ीज़ शेख रशीद साहब का वालेहाना एजाज किया। आइए, ऐसे ही दूसरी मालेगांव से गोया के एक इत्तला है, दरस कुरान की मजलिस की। आज यानी 6 अक्टूबर है, आज बरोज जुमरात बाद नमाज इशा मुत्तसिलन शहर मालेगांव की जामी मस्जिद में मजलिस दरस कुरान का इनेकाद होगा, जिसमें मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद, सदर जमीयत उलमा मालेगांव आसान और सहल अंदाज में आयात कुरानिया का दर्श देंगे। ईशा की जमात 8:45 पर अदा की जाएगी और आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन होकर आप अपने मकाम पर रहकर भी, अगर आप बाहर रहते हैं, मैं तो कहूँगा कि आप मालेगांव के तो आप लाइव उस दर्श कुरान को ज़रूर सुने, और आप बाहर रहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसे सुन सकते हैं। नाज़िर, ऐसे मालेगांव की एक चौंकाने वाली खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही। बड़ी खबर है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन मामलात, इसके घोटाले, करप्शन के खिलाफ लोकपाल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में पेटिशन दर्ज की गई है और अब आकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अवामी खजाने और सरकारी फंड्स की खुलेआम लूट मार, गबन, करप्शन और बदउनवानियों के खिलाफ पेटिशन पर लोकपाल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने 8 सितंबर 2022 को हुक्मनामा जारी करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मरकजी सरकार की अमृत योजना के तहत मालेगांव शहर में किए गए कामों का अहवाल 31 अक्टूबर 2022 तक तलब किया है। 2015 से 2020-21 के दरमियान मालेगांव शहर में अमृत योजना के तहत कई कामों में करोड़ों रुपयों की लूटमार और करप्शन की गई, जिसके खिलाफ कलीम यूसुफ अब्दुल्ला के दायर करदा पिटिशन पर लोकपाल ऑफ इंडिया ने हुक्मनामा जारी करते हुए इस जिमन में सरकार से मालूमात तलब की है। तो खैर, ये एक बड़ी खबर, और मैं समझता हूँ कि हर शहर में ऐसी ही एक अर्जी वहाँ पर दाखिल होनी चाहिए, क्योंकि गालिबन लोगों का ये कहना है कि हर शहर और हर इलाके में बड़ा करप्शन हुआ है और लोगों के जो काम थे वो, मोहल्लों के जो मेन काम थे वो नहीं हुए हैं, और जहाँ जहाँ काम किए गए हैं इसमें भी बड़े घोटाले हुए हैं। नज़र, ऐसे मालेगांव की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि बिला तफरीक वोट बैंक की सियासत से
परे रुकने असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासबी साहब के एमएलए फंड से तामीरी कामों का सिलसिला दराज हो चुका है और बाकायदा मौलाना अलीमुद्दीन फलाही की कोशिशों से सीमेंट कंक्रीट रोड की तामीर का मामला भी सामने आया है और सैफ न्यूज़ उर्दू ने बाकायदा इसका तस्करा किया है और अपने पोर्टल चैनल पर इस खबर को लगाया है जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी रुकन असम्बली के फंड से तामीरी कामों की सराहना भी की गई है और बताया जा रहा है कि मदनी नगर में एमएलए फंड से कॉन्कर रोड की तामीर पर अहलिया ने मदनी नगर और उस गली के रहने वालों ने रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी हुसैन अंसारी मौलाना अलीमुद्दीन फलाही का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। अयरान इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मालेगांव शहर से जी हाँ 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उस दिन खास तौर से तमाम किस्म की नशा आवर अशिया और शराब की दुकानों को बंद रखा जाए ऐसा मालेगांव शहर के एएसपी चंद्रकांत खानवी साहब से हिफाजत ग्रुप ने डिमांड किया मुलाकात की उनको एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया है कि उस दिन कम से कम नशा आवर तमाम अशिया और खास तौर से शराब की दुकानों को बंद रखा जाए। आइए बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर की। इस वक्त नासिक से कोई बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने नहीं है लेकिन धूलिया से खबर आ रही है कि गजल खानी का मुकाबला इसमें दूसरा नंबर हासिल करने वाले हसन अंसारी और उनकी रहनुमाई फरमाने वाले उस्ताद हाफिज मोहम्मद रिजवान सर का प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर पाटिल के हाथों जबरदस्त अंदाज में पुरजोश सत्कारो सम्मान किया गया इस्तकबाल किया गया। एलएम सरदार उर्दू हाई एंड जूनियर कॉलेज की जानिब से मुनक्किदा मरहूम अंसारी अल्ताफ सर गजल खानी का मुकाबला हुआ जिसमें जूनियर ग्रुप में मुमताज अहमद नादिर की तखलीक तबीयत शाद हो तो जिंदगी गुलजार होती है को हाजी हाशिम हुसैन मॉडल स्कूल के जमात अश्तम के तालिबे इल्म मोहम्मद हसन फहीम अख्तार अंसारी ने अपनी मशहूर कुन आवाज में पेश करके दूसरे नंबर का इनाम हासिल किया। इसी निस्बत से दुलिया के एसएसवी पीएस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और मस्कुरा कॉलेज के जेर एहतमाम चलने वाले यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर दोनों के इश्तराक से मोहम्मद हसन अंसारी और उनके रहनुमाई फरमाने वाले उस्ताद हाफिज मोहम्मद हाफिज रिजवान सर का प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर पाटिल के हाथों पुरजोश इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन ऐसी धूलिया से एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आरपीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोगस टीचर भर्ती और 6 टीचरों से तनख्वाह की रकम वापस न लेने का मामला इसको लेकर आरपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कहा कि अपने फराइज को बखूबी अंजाम देने वाले अच्छे और सच्चे तरीके पर अमल पैरा असातिज़ा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता आरपीआई की जंग जद्दोजहद कोशिशें जारी रहेगी। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज साळुंके साहब ने इजहार किया और कहा कि हम इस मामले को लेकर कोशिश आंदोलन धरने करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। आइए ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है और मालेगांव धूलिया गोया के तकरीबन सभी तरफ से ये खबर ताल्लुक रखती है कि ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज किया जा रहा है और आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है इसलिए ग्रेजुएट हजरात इस पर तवज्जो दें जिन तलबा व तालिबात ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है और किसी वजह से अब तक ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में वो अपना नाम दर्ज नहीं करा सके हैं ऐसे सभी तलबा व तालिबात को इत्तला दी जाती है के 7 अक्टूबर आखिरी तारीख है। रुकने असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के राबता ऑफिस दारुल खैर नयापुरा गली नंबर 15 पर मुफ्त में ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज जारी है। दर्ज जेल कागजात आधार कार्ड राशन कार्ड शनाख्ती कार्ड स्पॉटपोस्ट साइज फोटो एक अदद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट नी शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का काम जारी है। मजीद मालूमात आप वहां जाकर ले सकते हैं और जरूर जाएं वो तमाम तलबा व तालिबात जिन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया है। चलिए आइए नाज़रीन बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास अहम खबरों पर। इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने जलगांव की आ रही है कि गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में
खासदार उन्मेश पाटिल साहब और ऐसे ही राजमामा भी तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। इन तमाम लोगों ने बाकायदा हमारे जलगांव के कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम देकर यह डिमांड किया, ये मुतालबा किया कि PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हल्के में ना लिया जाए बल्कि सख्ती से कड़ी कार्रवाई इन पर की जाए ताकि मुल्क को बचाया जा सके। तो गोया कि एक अच्छा काम किया, उनका ये मानना है कि PFI जो है वो ऐसी ऐसी तंजीम है इसको हल्के में ना लिया जाए। लेकिन PFI को मेमोरेंडम देते ही जब सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होने लगी तो लोग ये कमेंट्स करने लगे सोशल मीडिया पर कि राजू मामा जी, खासदार उन्मेश जी, PFI पर पाबंदी की कड़ी कार्रवाई का आपने डिमांड किया है, मुतालबा किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले अमेरिका में कुछ हिंदू संगठनाओं की इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका को हम अपना उस्ताद मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, आपके हमारे हरदिल अजीज लाडले वजीर आजम ट्रंप को यहाँ पर बुलाते हैं और अमेरिका को लोग गुरु ही मानते हैं कि अमेरिका बहुत तरक्की कर गया है, तो अमेरिका में कुछ हिंदुत्ववादी 60 हिंदुत्ववादी संगठनों की इंक्वायरी का आदेश जारी कर दिया गया है। और भारत में भी एक जज कोलसे पाटिल से लेकर बहुत सारे हिंदू, मुसलमान नहीं, बहुत सारे हिंदू ये कह रहे हैं कि RSS और RSS की जितनी बच्चा तंजीमें हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि मुल्क में 3 मरतबा इससे पहले RSS पर बैन लग चुका है। तो अब बाकायदा कई हिंदू तंजीमें यह कह रही है कि RSS पर पहले बैन लगाया जाए, जैसे कि खुद एक्स जज कोलसे पाटिल ने कहा, ऐसे ही बहन मायावती ने कहा कि RSS को खुश करने के लिए PFI पर बैन लगाया गया है। तो बहुत सारी हिंदू तंजीमें यह कह रही है कि RSS पर भी बैन लगाया जाए। तो लोग ये कह रहे हैं राजू मामा भोले से और हमारे जलगांव जिले के खासदार उन्मेश जी पाटिल से, लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि सिर्फ PFI नहीं बल्कि RSS और जितनी भी ऐसी संगठनाएं जो मुल्क के लिए खतरा है और जो मुल्क के लिए नुकसान, इन तमाम पर भी पाबंदी का डिमांड किया जाए और उन्मेश जी पाटिल ने और राजू मामा भोले ने करना चाहिए। लोग ऐसा भी सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या जलगांव जिले के पाचोरा से भी इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुबैर खाटिक ने बताया कि पाचोरा में रावण दहन उत्साह, यानी रावण दहन का जो दशहरे के दिन जो रावण को जलाया जाता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है, ये प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से पाचोरा शहर में मनाया गया जो कोरोना काल में तकरीबन बंद था। लेकिन गुज़िश्ता कल कुंभकर्ण दहनाचा कार्यक्रम, इस तरीके से मराठी में उन्होंने पूरी खबर भेजी है, मैं उसको हल्का सा हिंदी में ही बोल देता हूं कि पाचोरा शहर में भी रावण दहन का प्रोग्राम जबरदस्त अंदाज में मनाया गया और PSI श्री कणगे इनके हाथों और ऐसे ही कांग्रेस के ताल्लुक अध्यक्ष सचिन सोमवंशी इनके हाथों बकायदा ये प्रोग्राम पाचोरा के एक कॉलोनी में किया गया और बड़े जोरदार पैमाने पर लोगों ने वहां पर शिरकत की। चलिए आइए नाज़रीन, अभी आइंदा कल जुमा है और परसों शनिचर, ये 2 दिन मैं नहीं रहने वाला हूं क्योंकि 2 दिन मेरा प्रोग्राम गुजरात में होने वाला है। आइंदा कल रात में जो है सूरत शहर में जो कालीपुल अंबावाड़ी का जो इलाका है वहाँ पर सीरतुल नबी पर एक शानदार प्रोग्राम होगा, तो कल मैं वहाँ रहूँगा रात में और परसों जो है एक और जगह प्रोग्राम है। तो इस तरीके से 2 दिन मैं नहीं रहने वाला हूँ। परसों गालिबन दीवा में है शनिचर को रात में दीवा गांव में, इसलिए मैं ये खबर आपको बता दूं, आज ही खानदेश बुलेटिन बनेगी फिर 2-3 दिन नहीं बनेगी। तो एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि जलगांव शहर से लगकर 4-5 किलोमीटर पर एक गांव है सिरसोली, वहां पर एक बड़ी जबरदस्त फाउंडेशन है तवक्कल फाउंडेशन। इसके जिम्मेदारान गुज़िश्ता कल मेरे पास बाकायदा घर पर मुलाकात करने आए थे और उन्होंने मुझे दावत दी कि 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुल नबी के दिन यानी 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को इतवार के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पर एक फ्री मुफ्त आरोग्य तपासनी शिविर, फ्री मेडिकल कैंप का वहां पर आयोजन किया गया है मस्जिद आयशा के सामने नशेमन कॉलोनी सिरसोली में। फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है
और ज़िले भर के जो मशहूर और माहिर डॉक्टर्स हैं उनकी टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी। मैं आप तमाम से यह अपील करता हूँ कि तवक्कल फाउंडेशन एक अच्छा काम कर रही है, उनके इस मुफ्त आरोग्य तपासनी शिविर में सिरसोली और आसपास के लोग ज़रूर शरीक रहें और इस फ्री मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाएँ। बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर्स इस फ्री मेडिकल कैंप में शरीक रहेंगे। जो मेडिकल या हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर जाने वाली है उसमें न्यू भारत हॉस्पिटल है, लाइफलाइन हॉस्पिटल है, इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लोग रहेंगे, ऐसे ही सिग्मा हॉस्पिटल, पंडित हॉस्पिटल, हयात हॉस्पिटल और लोटस हॉस्पिटल, ये तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ से वहाँ पर जाएंगी। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा जो ख़ास तौर से वहाँ पर सिरसोली और आसपास के गांव वाले इस फ्री मेडिकल कैंप से पूरी तरीके से फ़ायदा उठाए। मैं खुद वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और वहाँ पर डॉक्टर इमरान पिंजारी है, डॉक्टर सूफियान शाह है, महमूद भाई पिंजारी है, दानिश भाई है, शरीफ भाई है, मुस्तफ़ा भाई, शाहिद भाई, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसलिए तवक्कल फाउंडेशन की जानिब से जो फ्री मुफ्त आरोग्य तपासनी शिविर वहां पर 9 तारीख को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लिया जाएगा, आप पूरा पूरा फायदा जरूर उठाएं। नाज़रीन, जलगांव शहर के सालार नगर के मस्जिद बिस्मिल्लाह के जिम्मेदारान जैसे अफजल जनाब है, अफसर भाई है, मुश्ताक भाई है और हमारे शकील सर है और एक दो नाम हो सकता है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या भूल गया हूँ, ये तमाम लोगों का की पूरी टीम जो है गुज़िश्ता कल बाद नमाज़ मगरिब मेरे मकान पर आई थी। लोगों में खुशियों का इजहार है और लोग खुशियों का इजहार करते हुए सत्कार और सम्मान कर रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वॉइस ऑफ मीडिया जो नेशनल टीम है, एक बड़ी टीम है मीडिया और पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहतरम संदीप काले साहब, कार्य अध्यक्ष है संजय आउटे साहब और पूरी बड़ी टीम है जिसमें मुझे मेरे हिंदू भाइयों ने अपने साथ शामिल किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया है उर्दू विभाग का। इसको लेकर सालार नगर बिस्मिल्लाह मस्जिद के जिम्मेदारों ने गुज़िश्ता कल बाद नमाज मगरिब मेरे घर पहुंचकर मेरा सत्कार और सम्मान किया, इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। किस्मत तो उसे दी है कस्सा में अजल ने, किस्मत तो उसे दी है कस्सा में अजल ने, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, और हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटा जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुवत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयां हासिल कर सकते हैं, देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।